हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन बूस्टर चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2015 में पूछे गए थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, और ऑप्शन चार है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो यहाँ पे जो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा वो होगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा है अवलोकन, और चौथा है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन कह रहा है खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा ऑप्शन परियोजना, तीसरा अवलोकन, ये सभी रचनात्मक आकलन के कार्य हैं, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना यह जो है मूल्यांकन का कार्य है। इस कारण यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, दूसरा समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ज़्यादा ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, और ऑप्शन चार है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चार प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने से उनकी परेशानियों को आप जान सकेंगे, उनको हल करने की कोशिश कर सकेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, दूसरा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तीसरा है बच्चे को स्वीकार करना, और चौथा है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो यहाँ पे सृजन करने की आवश्यकता है कक्षाई परिवेश को, इसके लिए जो कथन सही नहीं होगा वो होगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन दो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है लड़कों को घर से बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अगले जो ऑप्शंस हैं, दूसरा ऑप्शन है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तीसरा सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है लैंगिक निष्पक्षता का, कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लैंगिक निष्पक्षता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन दो, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, इसको छोड़कर बाकी जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है किसका? अधिगम में असुविधा का, अधिगम में अशक्तता का, अधिगम में कठिनाई का, या फिर अधिगम में समस्या का। तो बच्चे की जो गलतियां हैं लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां कर रही हैं, यह सभी जो है मानसिक मंदन का एक प्रकार है जिसे अधिगम में अशक्तता कहा जाता है, ऑप्शन दो जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर सात, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए
सॉरी सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ऑप्शन एक है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और तीसरा है उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन बी है उच्च प्रेरणा और उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। तीसरा ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता। और चौथा ऑप्शन है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन प्रतिभाशीलता के लिए संयोजन है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर एक, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च वचनबद्धता। यह ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। अगला जो प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी है यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और लास्ट ऑप्शन है ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं बालक के सोचने की तरीके को अध्यापक बालक का जो सोचने का तरीका है उससे शिक्षक को या फिर अध्यापक को जो है अवगत कराती है और उसी के कारण जो है अध्यापक शिक्षार्थी को सही रूप से निर्देशित कर सकता है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो संबंधित होता है वह डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि ऑप्शन सी अपसारी चिंतन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 जो है हमारे पास, अब शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। दूसरा ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली एवं कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कह रहा है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना यह जो है अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? पहला है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। दूसरा है विषय वस्तु का प्रश्न बनाना। तीसरा है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। और चौथा ऑप्शन है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो अधिगम को यहाँ पे सुगम कौन सा नहीं बना रहा है सार्थक अधिगम को? वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ये यहाँ पे ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, तीसरा उनके अंकों में सुधार करना, और चौथा ऑप्शन है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो जब भी आप किसी बच्चे को दंड देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। पहला ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा है अध्यापक एवं साथी, तीसरा है साथी एवं माता पिता, और चौथा ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें बताना है। भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं एवं समूह में स्वीकार्य हैं, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा माता पिता एवं भाई बहन, जो कि पारिवारिक परिवेश के हैं, यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, किसको करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, दूसरा है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, तीसरा ऑप्शन है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, और चौथा ऑप्शन है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो विद्यार्थी को यहाँ पे स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना यह प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं को, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष। तो जो भी बाल्यावस्था श्रेणी होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक और परवर्ती। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष, और जबकि परवर्ती जो होता है 6 से 11 वर्ष। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा 6 से 11 वर्ष, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? जो ऑप्शन हमारे पास हैं, पहला है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, दूसरा है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, तीसरा है सतत एवं असतत अधिगम, और चौथा है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो यहाँ पे जो आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा हो रही है उसका जो विषय होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सहारा देना। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि जो अध्यापिका है, ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, दूसरा भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, तीसरा एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, और चौथा लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है। तो अध्यापिका ने यहाँ सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है, जो कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसलिए वह जो है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है
जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। और चौथा ऑप्शन है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है हमें बताना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, यह प्रश्न तो कई बार आ चुका होगा, इसको आप लोग समझ भी चुके होंगे और यह प्रश्न गलत होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अन्य वीडियो देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा। वहाँ पे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनके लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लीजिएगा। 21 नंबर जो प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शंस हैं स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या फिर स्तर 2। तो आप सभी लोग जान रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कुल जो है 6 स्तरों में इसे विभाजित किया और दो दो को करके फिर उन्होंने एक स्तर बनाया था, जिसमें पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा था परंपरागत स्तर और तीसरा पोस्ट परंपरागत स्तर। तो पहले स्तर में जो बात की गई थी वह दंड एवं पुरस्कार की बात की गई थी और इसी में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया जा रहा है। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा स्तर 1 होगा, ऑप्शन सी। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो यहाँ पे समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे जो सही नहीं है वह है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यदि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि बच्चों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न होगी तो उनमें विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो कि अनुकूल नहीं हो। 23 नंबर जो प्रश्न है, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जाँच परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए और लास्ट ऑप्शन है पृथककरण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा के लिए। जो अधिगम में आकलन आवश्यक होता है वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। 24 नंबर प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या फिर संगठन। तो प्रचलित योजनाओं में जो नई जानकारी जोड़ी जाती है उसको आत्मसत्करण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे। व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या फिर पर्यावरण से। तो इसका आंसर आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यक्तिक भिन्नता से। अगले प्रश्न पे आते हैं, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए इसका अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर अपवर्जक शिक्षा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा समावेशी शिक्षा। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान रूप से शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले और उन्हें जो शिक्षा हो एक साथ दी जाए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, कोई भी नाराज हो सकता है यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में और सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे, संवेगात्मक विकास से,
या फिर सामाजिक विकास से, या फिर संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से। तो यह जो कथन था संबंधित था, यह संवेगात्मक विकास से संबंधित था। यहाँ पे पहला ऑप्शन संवेगात्मक विकास जो था वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ऑप्शन हमारे पास हैं डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो डिसग्राफिया जो होता है लिखने संबंधी विकार होता है, डिस्प्रैक्सिया जो होता है समन्वय संबंधी विकार होता है, डिसकैलकुलिया गणित या फिर गणना संबंधी विकार होता है, और डिसलेक्सिया जो होता है यह पढ़ने संबंधी या फिर पठन संबंधी विकार इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास को जो प्रभावित नहीं करेगा वो होगा सामाजिक अनुभव। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पे, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, तीसरा ऑप्शन है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यह त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक रूप बुद्धि का जो अभिप्राय नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।